हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बच्चे और बड़ों की मनपसंद डिश पटेटो वेजिस। ये पटेटो वेजिस मैंने सिर्फ एक ही चम्मच तेल से बनाई है। आप सोचेंगे एक ही चम्मच से? हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये एक ही चम्मच से बनाई है। बाज़ार में मिलने वाली पटेटो वेजिस और फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राई की होती है तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। डाइट करने वाले लोग तो उसको खाने से बहुत ही डरते हैं, मगर ये पटेटो वेजिस आप बिंदास खा सकते हो, चाहे जितना मन करे। चाहे आप डाइट करते हो या ना करते हो, ये पोटैटो वेजिस बहुत ही हेल्दी वे से मैंने बनाई है। ये पोटैटो वेजिस मैंने बनाया है एयर फ्रायर में। हाँ जी फ्रेंड्स, ये एयर फ्रायर में मैंने पोटैटो वेजिस बनाए। देखिए कितना क्रिस्पी और गोल्डन कलर का है। आप अगर चाहें तो सूरन की, पर्पल यम यानी कि कंद की, और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की आप वैसे ही वेजिस या फ्रेंच फ्राइज उसकी बना सकते हो। उस स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनती है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 3 बड़ी साइज़ के आलू लिए हैं। उसको मैंने पहले से ही वॉश किया है, अच्छे से वॉश करना है क्योंकि हमको आलू छिलके के साथ ही यूज़ करने वाले हैं। ये मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स है, आप ब्लैक पेपर पाउडर भी साथ में यूज़ कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक लिया है और ये 1 टेबलस्पून ऑयल है, नॉर्मली कुकिंग ऑयल है। आप अगर डाइट पे हो तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आलू की स्लाइस कट कर लेंगे। थोड़ी मोटी ही स्लाइस कट करनी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा मोटा ही मैंने काटा है और उसको ऐसे लंबा काट लेना है। इसी तरह हम लोग सारे पोटैटो की वेजिस हम लोग काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये एयर फ्रायर है वो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो आप अगर उसको ले रहे हो तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे समोसे हैं, करंजी है, चकली है, या मैं तो उसमें रोस्टेड पोहा का चिवड़ा भी बनाती हूँ, और आप उसमें सिंगदाना भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हो। आगे भी मैं शेयर कर चुकी हूँ एयर फ्रायर की रेसिपी, और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर बने रहेंगे। ये देखिए मेरे पोटैटो वेजी सब काट के तैयार है। अब उसको हम थोड़ा मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ऑयल डाल देंगे, 1 ही चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर उसके बाद मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सभी मसाले की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब उसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे और उसको वैसे ही 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सभी मसालों की फ्लेवर अच्छे से आलू में आ जाए। और ये मसाले के साथ जब पोटैटो मैरिनेट होते हैं उसी टाइम पे मैं अपना एयर फ्रायर प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ। 180 डिग्री पे कम से कम 10 मिनट रखना है। तो चलिए, मेरा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। अब सारे पोटैटो वेजिस में उसमें डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही डालें। उसको अच्छे से फैला लेना है ताकि चारों तरफ से वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और उसकी फ्राई की हो वैसे ही टेक्सचर आ जाए उसमें। अब 180 डिग्री पे कम से कम 20 मिनट तक उसको रोस्ट करना है। तो चलिए, मैं रख देती हूँ एयर फ्रायर को रोस्ट करने के लिए। अब देखिए मेरे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट वाली पोटैटो वेजिस तैयार है। मेरी रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी नई नई रेसिपी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई एयर फ्रायर के बारे में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।